सिख धर्म की विलक्षणता यह है कि यह सब तो नवा आधुनिक जा मॉडर्न है। डंडिंग यह धर्म सारी मनुखता लई है अते किसी प्रकार दे कट्टरवाद नूं तरजीह नहीं दिंदा। डंडिंग सिख धर्म इस पहलू ते जोर बिल्कुल नहीं दिंदा कि लोग अपने धर्म छड के सिख बन जान, सगों सिख धर्म ये शिक्षा दृढ़ करवाउंदा है कि सब लोग अपने अपने धर्म दे दायरे अंदर रह के चंगे इंसान बन। डंडिंग सिख धर्म दे दस गुरु हुए हैं। डंडिंग पहले गुरु नानक देव जी सन। डंडिंग इन्हों का जन्म 1469 ईस्वी विच होया। दूजे गुरु गुरु अंगद देव जी, तीजे गुरु गुरु अमरदास जी, चौथे गुरु गुरु रामदास जी, पंजवें गुरु गुरु अर्जन देव जी, छेवें गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह जी, सतवें गुरु गुरु हर राय जी, अठवें गुरु गुरु हर कृष्ण जी, नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी अते दसवें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी सन। डंडिंग सारे गुरुआं ने समूह मनुखता दा कल्याण करन अते किसे भेदभाव तो उच्चे उठ के समुची लुकाई विच अध्यात्मक जागृति लियाउण लई आदर्शक अते प्रशंसाजनक कम कीते अते अमली रूप विच आदर्श तरीके नाल जीवन जीवन दा ढंग समाज नूं समझाया। डंडिंग असल विच ये सारे गुरु परमात्मा वल्लों धरती ते भेजे गए अवतार सन, जिन्हां ने आम अते सारे धर्मां दे लोकां नूं सच्चाई ईमानदारी ते सांझीवालता दा रस्ता दस्या। डंडिंग सारे गुरु साहिबान ते उस समय दे होर सारे भारत विच होए परमात्मा दे भगतां ने जो अध्यात्मक बाणी रची उस दा संपादन पंजवें गुरु गुरु अर्जन देव जी ने भाई गुरदास जी दी सहायता नाल बड़ी मेहनत ते लगन नाल कीता। डंडिंग इस तरह सारी बाणी एक ग्रंथ दे रूप विच एकत्र कीती। डंडिंग इस ग्रंथ दा नाम है श्री गुरु ग्रंथ साहिब। डंडिंग ये समुची बाणी इस पहलू ते जोर दिंदी है कि मनुखी जामे विच जन्म लेना एक दुर्लभ ते अदुत्ती मौका है। डंडिंग मनुखी जामा केवल धन दौलत एकत्र करने लई महल माड़ियां बनाउण लई अमीरी दी शानो शौकत विखाउण लई चंगे पदार्थ खाण पीण लई अते ऐश ते मज़ेदार जिंदगी बिताउण लई नहीं है, सगों एक ऐसे दुर्लभ अनमोल रत्ना नालों भी कीमती सही अते ढुकवां समा है जदों हर इंसान परमात्मा रब नूं याद करके अर्थात उस दी उस्तति करे जां उसदा सिमरन करके अपने अंदरले मन नूं पवित्र ते निर्मल कर सकदा है। डंडिंग ए पवित्र मन सिमरन करदा करदा सहज अवस्था विच पुज के परमात्मा विच लीन एक मिक हो सकदा है। डंडिंग यही हर मनुख नर अते नारी दा लक्ष्य निशाना जां मंजिल है। डंडी परा 1 सितंबर 2015
पांच नू गुरु ग्रंथ साहिब दा 401वां स्थापना दिवस सी डंडी। इस हफ्ते विच गुरु साहिब दी विलखणता अते आदर सत्कार वजों कई समारोह सारे भारत अते अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते कई देशों विच कीते गए डंडी। जेड़ा समारोह अमृतसर विखे होया उस विच पाकिस्तान तो आए एक रब नू पहुँचे हुए बिरद फकीर ने भी शिरकत की डंडी। जदों उन्होंने कुछ बोलने लई कहा गया ओ कहन लगे अजोकी मनुखता अजे इन्नी समझदार नहीं हुई कि गुरु ग्रंथ साहिब की महानता अते इस विचली बाणी दिया उचाइया नू समझ सके डंडी। जदों आम लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब बारे समझ आ जाएगी उस वक्त संसार ते जड़ा एक धर्म ग्रंथ सत्कारिया ते प्रचारिया जावेगा उस दा नाम है गुरु ग्रंथ साहिब डंडी। इस ग्रंथ विच इकहत्तर बाणी नू तुरकी बाणी जां अरशी बाणी कहा जाता है क्योंकि यह बाणी परमात्मा दे हुक्म अनुसार गुरु साहिबान अते हिंदुस्तान दे वक्ख वक्ख खेत्यां ते इलाकियां दे भगतां राहीं उचारी गई ताकि धरती ते वसदे सारे लोकां दा भला हो सके डंडी। हुण तक गुरु ग्रंथ साहिब दा अनुवाद कई भाषावां विच हो चुका है डंडी।